वेलकम बैक। अमरीकी काउंसलेट कराची के ज़ेर एहतमाम नस्ल इम्तियाज़ के खात्मे और खेल के ज़रिए आगाही फ्राहम करने के लिए सिंध रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअल तकरीब का इनेकाद किया गया। वर्चुअल तकरीब में सखर समेत बलाई सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए इबलाग के नुमाइंदे मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर नस्ल इम्तियाज़ के खात्मे के लिए काम करने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब में साबिक अमरीकी बास्केटबॉल प्लेयर कमेंटर स्टेफन हावर्ड डिका का कहना था कि हम खेल के जरिए दुनिया भर में नस्ली इम्तियाज नस्ल परस्ती के खात्मे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से हालिया दिनों में नस्ल परस्ती और नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए पास करदा बिल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। अमरीका समेत दुनिया भर में सिया फार्म एथलीट मुख्तलिफ खेल के खिलाड़ियों ने नुमाया खिदमत अंजाम दी है और मुल्क कौम का नाम रोशन किया। इनका मजीद कहना था की हमारा मकसद यही है की रंग और नस्ल को बलाए रखते हुए आगे बढ़े। तकरीब के दौरान साफियों ने स्टेफन हावर्ड से मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिस पर इन्होंने अपने तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए इजहार ख्याल किया। इन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा भी किया।